बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम टीचर फ्रॉम किडी कैंपस मॉन्टेसरी स्कूल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? दिस इज़ माय प्लेमेट बुक एंड नाउ ओपन इट। स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट वीक का काम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमने नेक्स्ट वीक में क्या करना है। पढ़ेंगे हम यहाँ पे ट्रेस द सर्कल। सर्कल मीन्स राउंड, वेरी राउंड, इट हैज़ नो कॉर्नर। यहाँ पे हम आप देख रहे हैं ना, बड़ा सा सर्कल बना हुआ है। ये गोल है ना बिल्कुल, इसमें कोई कॉर्नर तो नहीं है ना, ये बिल्कुल गोल है। तो ये जो चीज़ बिल्कुल गोल होती है उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। सर्कल इज राउंड एंड राउंड। सर्कल मीन्स राउंड, वेरी राउंड। सर्कल इज राउंड एंड राउंड, इट हैज नो कॉर्नर। इसमें देखिए, जब टीचर ऐसे सर्कल बनाती हैं तो इसमें कहीं रुकती हैं? नहीं रुकती ना, बिल्कुल ऐसे गोल है, इसमें कोई कॉर्नर नहीं है। सर्कल इज राउंड एंड राउंड, इट हैज नो कॉर्नर। इसी तरह इसके साथ भी एक सर्कल बना हुआ है, बिग डॉट है। आपने बिग डॉट से स्टार्ट करके डॉट्स के ऊपर ऊपर सर्कल की ट्रेसिंग करनी है। और ट्रेसिंग वन टाइम ट्रेसिंग नहीं करनी है, आपने 5 टाइम ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमने कौन सा काम करना है? ट्रेस द सर्कल्स टू मेक द बबल्स। यहाँ पे आपको एक गर्ल नज़र आ रही है ना, वो बबल्स बना रही है। तो बबल्स देखें किस शेप के हैं? सर्कल में हैं। वेरी गुड। तो आपने इन सर्कल्स को, इन बबल्स की ट्रेसिंग करनी है। और ट्रेसिंग आपने ध्यान रखना है डॉट्स के ऊपर ऊपर करनी है, इधर उधर नहीं करनी आपने। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे ट्रेस लॉलीपॉप एंड चेरी, ड्रॉ वन मोर चेरी एंड कलर देम आल्सो। यहाँ पे आपको एक लॉलीपॉप नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पे आपने ट्रेसिंग करनी है इस तरीके से, जितनी उसकी राउंड हैं आपने उन सब की ट्रेसिंग करनी है। सर्कल में है ना, आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है। एंड देन इसके साथ ही आपके पास एक चेरी बनी हुई है, आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है, इसमें आपने कलर करने हैं। एंड देन यहाँ पे इसके साथ एक और बड़ी सी आपने सर्कल में चेरी ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये आपके पूरे वीक का काम है, आपने अच्छे तरीके से इस काम को करना है। काम को अच्छे तरीके से कीजिएगा। आपने जो कलर करने हैं वो आपने पेंसिल कलर करने हैं। ठीक है, और चेरी में भी आपने कलर करने हैं, लॉलीपॉप में भी कलर करेंगे और चेरी में भी करेंगे। चेरी में रेड कलर करेंगे और जो इसके लीफ हैं उसमें आप ग्रीन कलर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने पेंसिल कलर नहीं करने। बाय मिस्टेक टीचर ने आपको कहा कि पेंसिल कलर करने हैं, हम पेंसिल कलर नहीं करते। आपको पता है ना, टीचर क्लास में आपको क्रियॉन्स देती हैं, तो आपने क्रियॉन्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे ग्रीन क्रियॉन्स और यहाँ पे रेड क्रियॉन्स यूज़ करने हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे जो हमारी एक्टिविटी है, सबसे पहले हम उसका मटेरियल देखेंगे, हमने उसका मटेरियल में क्या क्या यूज़ करना है। पेंसिल शेविंग क्राफ्ट, हमारी जो एक्टिविटी है वो है पेंसिल शेविंग क्राफ्ट। मटेरियल हमारे पास है पेंसिल शेविंग फॉर पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। आपने पेंसिल को शेविंग करनी है, पेंसिल की शेविंग करनी है, शॉर्प करना है उसको। उसका शॉर्प करने के बाद आपने क्या करना है, एक साइड पे रख लीजिएगा उसको। कलर पेंसिल्स फॉर कलरिंग, आपने ये जो पत्ते बने हुए हैं, जो शाखें बनी हुई हैं, इनमें आपने पेंसिल कलर करना है। नीचे भी आपने सारा पेंसिल कलर करना है। देन 3 पॉइंट बटन फॉर द सेंटर ऑफ फ्लावर्स। आपने मामा से कहना है आपको 3 बटन्स दें सेंटर ऑफ फ्लावर के। आप यहाँ पे 3 बटन्स इन सर्कल्स पे 3 बटन्स लगाएंगे। ग्लू फॉर पेस्टिंग, इस सारे काम के लिए आप ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। ग्लू आपने ग्लू लेनी है। ग्लू से सबसे पहले आपने बटन्स को यहाँ पे पेस्ट करना है। बटन्स पेस्ट करने के बाद जो हमने पेंसिल शेविंग रखी थी उसको आपने ग्लू के साथ गोल सर्कल में फ्लावर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे भी एंड देन यहाँ पे भी शॉप पेंसिल शेविंग जो आपके पास है उससे फ्लावर बनाना है आपने। ठीक है, उसको आपने बटन के साइड पे सर्कल में पेस्ट करना है।
एंड देन लास्ट पॉइंट हमारा था कलरिंग, जो बाकी आपको टीचर ने बताया था यहाँ पे आप सारा कलर करेंगे। यह आपका पूरे वीक का काम है, आपने अच्छे तरीके से करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।